दोस्तों, आज हम बताला जिंदा सिंह गांव में मौजूद हैं। ये बताला जिंदा सिंह एक सरदार के नाम से मशहूर था, जिसका नाम सरदार जिंदा सिंह था। ये गांव तहसील किला दीदार सिंह में मौजूद है, जो कि गुजरांवाला जिला है उसका, जिनमें गांव के वस्त में खूबसूरत इमारतें और वहां के लोग हमें देखने को मिले। बताला जिंदा सिंह में आज भी हिंदू और सिखों बशिंदों की बनाई इमारतें और मजहबी रसूमात अदा करने के लिए बनाए गए मंदिर गुरुद्वारे आज भी असली जोबन पर दिखाई देते हैं। सिखों की रसूमात और रवायात मनाने के लिए यहां पर काफ़ी चीज़ें टीम अपना वजीराबाद को देखने को मिली। पहले हमने जितनी भी तारीखी इमारतें देखी, जिनमें बारह दरी तालाब वगैरह थे, वो अपनी असली हालत में ना थी। और ये आप मनाजर देख रहे हैं, पंजाब भर में मौजूद ऐसी बारह दरी और तालाब हैं, लेकिन शायद ही ऐसी अच्छी हालत में देखने को ना मिले। बताला जिंदा सिंह गांव के लोग सादा रूप और आज भी लोगों का रहन सहन पुरानी यादों की अक्कासी करता है। हमें अपनी आने वाली नस्लों को ये तारीखी जगह दिखाने के लिए जाकर रखने होंगे, ताकि वो देखें कि इस्लाम का परचम बोलबाला होने के बाद कैसे हिंदू और सिखों की जगह वीरान पड़ी। ये बारह दरी है जिसको तालाब, जहाँ पर लोग कहते हैं कि जब दा मेला के नाम से काफ़ी रसूमात अदा की जाती है, यहाँ पर बैठ कर नज़ारा करने का मंजर ये सिर्फ मैं जानता हूँ। जब की मैं बताई दूँ कि बताला जिंदा सिंह है, जो कि तहसील किला दीदार सिंह में है, और किला दीदार सिंह तो आपको पता है जिला गुजरांवाला में। ये खूबसूरत मंजर बताला जिंदा सिंह, यहाँ पर लोग खुली जगहों पर हवाओं का इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी यहाँ की शादी रसमात कैसे होती है वो भी आप लास्ट में देखेंगे। जावा दे नाल तेरा सजिया होया।